मेरा नाम डॉक्टर स्वजला, मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। IUI यानी इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जहाँ स्पर्म सैंपल को प्रिपेयर करके उसे डायरेक्टली महिला के यूट्रस में डाला जाता है, लगभग उस टाइम में जब अंडा भी रिलीज होने वाला होता है या हो चुका होता है। अब ये एग्जैक्ट नंबर, स्पर्म का एग्जैक्ट नंबर क्या होता है IUI के सक्सेस के लिए, बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि स्पर्म का क्वालिटी, फर्टिलिटी क्लिनिक जहाँ पे आप ट्रीटमेंट करा रहे हो उनका प्रोटोकॉल और पेशेंट का मेडिकल कंडीशन, ये सारे रीजंस देखा जाता है कि कितने स्पर्म जरूरी है। टिपिकली यानी अक्सर क्या होता है, मिनिमम स्पर्म काउंट होना चाहिए 5 से 10 मिलियन का, और ये काउंट टोटल मोटाइल स्पर्म काउंट का होता है जो जरूरी होता है IUI के प्रोसीजर करने के लिए। लेकिन जितना हाई रहेगा स्पर्म काउंट उतना चांसेस ऑफ सक्सेस भी बढ़ेगा। फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट ये देखते हैं कि ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन यानी कि ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन अगर हेल्दी मोटाइल स्पर्म्स के रहेंगे तो आपके फर्टिलाइजेशन, अंडे के फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी के चांसेस भी बढ़ेंगे। ये जान लेना जरूरी है कि टोटल मोटाइल स्पर्म काउंट ही आवश्यक होता है ओवरऑल स्पर्म काउंट से भी ज्यादा, क्योंकि मोटाइल स्पर्म्स ही वो होते जो अंडे तक पहुंच पाते हैं और उसे फर्टिलाइज कर पाते हैं। टोटल मोटाइल स्पर्म काउंट का मतलब ये होता है नंबर ऑफ मोटाइल स्पर्म्स, जितने भी हैं मोटाइल स्पर्म्स उनके प्रोग्रेसिव मूवमेंट के साथ उसे कैलकुलेट किया जाता है, यानी नंबर ही नहीं मोटाइल स्पर्म्स के प्रोग्रेसिव मोटिलिटी यानी कि जो फास्ट मूव कर रहे हैं वो कितने हैं ये देखते हुए इसे कैलकुलेट किया जाता है। IUI के दौरान स्पर्म सैंपल को एक प्रोसेस जिसे कहते हैं स्पर्म वॉश या प्रिपरेशन से प्यूरिफाई किया जाता है। इसका मतलब क्या है, मोटाइल हेल्दी स्पर्म्स को सीमन से अलग किया जाता है और अगर उसमें कोई भी अदर कॉम्पोनेंट्स जो होते हैं उन्हें निकाल दिए जाते हैं और केवल अच्छे हेल्दी स्पर्म्स को अलग किया जाता है। इस प्रिपरेशन को कॉन्सेंट्रेटेड स्पर्म्स कहते हैं, इसे घर में डाला जाता है लेकिन इसमें पोटेंशियल हार्मफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं जिसे अलग कर दिया जाता है जो हानिकारक होते हैं। इसके बाद इस प्रिपरेशन को फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट देखते हुए कितना वॉल्यूम जरूरी है ये देखते हुए स्पर्म सैंपल को इंसेमिनेट करते हैं यानी गर्भ में डालते हैं। ये जो स्पेसिफिक स्पर्म काउंट है, कॉन्सेंट्रेशन जो IUI के लिए जरूरी होता है, तो इंडिविजुअल केसेस के मुताबिक अलग होता है, बट अक्सर देखा गया है कि 0.3 से 0.5 ml यूट्रस में डाला जाता है। फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आपके सिचुएशन को जांचेंगे, फीमेल पार्टनर आपके वाइफ या पार्टनर के फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स क्या है, फैक्टर्स क्या है देखेंगे और के मुताबिक एक पर्सनलाइज्ड यानी कि आपके मुताबिक क्या ट्रीटमेंट परफेक्ट रहेगा, कितना स्पर्म काउंट चाहिए होगा ये देखते हुए आपका IUI प्रिपरेशन करेंगे जिससे आपके सक्सेस के रेट बढ़ेंगे। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।